तो हाँ भाई करें शुरू। तो वीवो ने नया मजाक वाला ओएस लॉन्च कर दिया है, फनटच ओएस 15, जो कि एंड्रॉइड 15 बेस है। अब हमारे पास दो फोन है, एक के अंदर फनटच ओएस 15 और दूसरे के अंदर है फनटच ओएस 14। अब फनटच ओएस 14 के अंदर 13 के कंपैरिजन में एक बड़ा चेंज था, बट अभी जो ये फनटच ओएस 15 लाए उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। और जैसे कि 2024 के अंदर AI पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो क्या फनटच ओएस के अंदर अब हमें AI मिला है, तो सब चीजों की बात करेंगे। वीडियो पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक, काफी और मजेदार होने वाली है, और शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जिसके पास Vivo है IQ का फोन। तो शुरुआत करेंगे विजुअल चेंज से, क्योंकि फनटच OS काफी फोकस करता है इन पर। तो यहां पर जैसे ही आप लॉक स्क्रीन पे देखोगे तो अभी क्या है कि टाइम के ऊपर डेट आ रही है, बट पहले डेट नीचे आती थी, टाइम ऊपर आता था। तो सबसे पहला चेंज ये। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन बार है इसका साइज इन्होंने छोटा कर दिया, जिसकी वजह से साइड में स्पेस ज्यादा मिलता है और एजेस थोड़ी राउंड लगती है। बाकी जो शॉर्टकट यहां पर नीचे की तरफ एप्लीकेशन आती थी, पहले दो फिक्स थी, एक डायलर और दूसरा कैमरा एप्लीकेशन, बट अब आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो जस्ट लाइक एप्पल एंड सैमसंग। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एप्पल और सैमसंग में लॉक स्क्रीन से ही आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन वीवो के अंदर आपको सेटिंग्स में जाकर ही इन्हें कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर जैसे कि आप नोटिफिकेशन पैनल या कंट्रोल सेंटर को स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको चेंज मिलेगा यहाँ पर अगेन कि इन्होंने साइज श्रिंक कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेल अरेंज लग रहा है और यहाँ पर कॉर्नर्स थोड़े ऑल राउंड लग रहे हैं। बाकी जैसे आप पूरा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा कि सेटिंग्स का जो आइकन है वो भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है। बाकी अब चले होम स्क्रीन पर, तो पहले आप जब लॉन्ग होल्ड करते थे तो आपको भाई तीन यहाँ पर डॉट मिलती थी, बट आपको यहाँ पर पेजेस के बीच में स्विच करने के लिए स्वाइप राइट ही करना पड़ता था। बट अभी क्या है कि जब आप लॉन्ग होल्ड करोगे तो नीचे की तरफ तीन टैब आएंगे, जिसमें आप कहीं भी स्विच कर सकते हो, पहली से चाहे तो तीसरी में स्विच कर सकते हो या दूसरी में स्विच कर सकते हो। तो ये मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लगा। बाकी जब आप किसी आइकन को अरेंज करते थे, मतलब जैसे कि ऊपर से मेरे को नीचे उठा के आइकन डालना है, तो भाई आप इजिली डाल सकते थे, बट कोई ग्रिड नहीं आती थी, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रिड आती है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल मेरे को लगी है, जो बेसिकली ये दिखा देती है कि आप आइकन को एक्चुअली कहाँ छोड़ने वाले। और नया फनटच ओएस टेक्नो ओएस और मैजिक ओएस के कुछ फीचर भी लाया, जैसे कि यहाँ पर फोल्डर के साइज को मैं बड़ा कर सकता हूँ, जिसका फायदा ये होगा कि मेरे को फोल्डर के अंदर जाके कोई एप्लीकेशन नहीं खोलनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट फोल्डर पर ही टैप करूंगा जिस एप्लीकेशन को खोलना है और वो ओपन हो जाएगी। बट यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है जिसके लिए मेरे को फोल्डर ओपन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि हार्मनी ओएस, जिस पर फनटच ओएस बना हुआ है, जो चाइना के अंदर वीवो अपने फोन के अंदर देता है, उसका एक फीचर है, यहाँ पर आपको क्लॉक विजिट मिलता है, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा है। इसके अलावा इन्होंने नया आइकन पैक डाला है, जो इतना खास नहीं है, बाकी आप आइकन का साइज कम ज्यादा कर सकते हो, वो तो पहले से ही मिलता है। बट जो मेरे को अच्छी चीज लगी वो ये है कि अब आप जो आइकन है उसके टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो, बट जो वो टेक्स्ट है ना, सिर्फ होम स्क्रीन वाले आइकन से ही रिमूव होता है। जैसे ही आप ऐप ड्रॉअर के अंदर जाओगे वहां पर फिर से टेक्स्ट मिलेगा। तो मेरे को लगता है यहां पर फनटच ओएस ने फिर से दिखा दिया कि ये फनटच ओएस ही है। इसके अलावा होम स्क्रीन में कोई चेंज नहीं है, बस इन्होंने थोड़े से वॉलपेपर ऐड करे हैं, और अभी आप वीडियो को भी एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हो कुछ सेकंड की, बट वीडियो वॉलपेपर थोड़ा सा ना बैटरी कंजप्शन ज्यादा लेता है, तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अब चले ऐप ड्रॉअर में, जैसे आप स्वाइप अप करोगे तो यहां पर ऐप अब थोड़ी सी वेल अरेंज लगती है, यहां पर आइकन साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, जिसकी वजह से स्पेशियस भी काफी अच्छी लग रही है। और ऊपर की तरफ जो सर्च लोकल एप्स आ रहा है उसकी टैब का कलर देखो, पहले ग्रे था, अभी इन्होंने व्हाइट कर दिया हल्की सी ड्रॉप शेडो ऐड करके। बाकी नीचे की तरफ सेटिंग्स में जैसे आप ओपन करोगे तो यहां पर आपको एक मेन चेंज मिलेगा, जो मेरे को काफी यूजफुल लगा है। पहले क्या था, मुझे नेटवर्क की सेटिंग्स में जाना है तो नेटवर्क इंटरनेट पर क्लिक करना पड़ता था, बट अभी यहां पर आप देखो नेटवर्क रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है वो एक टैब में आ रही है, उसके नीचे डिस्प्ले वाली एक टैब में आ रही है, तो इन्होंने ग्रुपिंग कर दी है, जिसकी वजह से अब UI थोड़ा और वेल अरेंज लग रहा है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेक्शन के अंदर देखेंगे तो यहां पर जैसे कि भाई कलर OS और फनटच OS फेमस है फिंगरप्रिंट एनिमेशन के लिए, तो अब इन्होंने नई फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी ऐड करी है। बाकी यहां पर रैम एंड स्टोरेज पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर मेरे को एक काफी यूजफुल चीज ये लगी, जैसे आप मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले क्या था कि ऐसे ही आता था कि भाई इन्होंने डेटा घेरा हुआ है, आप इन्हें क्लीन कर सकते हो, बट अभी फोटो वीडियो ऑडियो और डुप्लीकेट फाइल का अलग से ग्रुपिंग में आता है कि इन्होंने डेटा घेरा हुआ है, आप इसमें से किसी पर्टिकुलर चीज को भी क्लीन कर सकते हो। तो ये वाली चीज भी काफी बढ़िया लगी ग्रुपिंग की मुझे। और बैटरी की कंजप्शन को कम करने के लिए भी इन्होंने एक फीचर डाला है, बैटरी में जाओगे तो यहाँ पर स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलेगा, इसे इनेबल करते ही ये जब आप अपने फोन को यूज नहीं करोगे तो बैकग्राउंड ऐप को लिमिट कर देगा और जो नेटवर्क है उसको लिमिट कर देगा, जिससे आपका बैटरी बैकअप थोड़ा सॉलिड होगा। बट मेरे हिसाब से इस तरीके के जितने फीचर मैंने दूसरे फोनों में यूज करे उनके साथ दिक्कत यह है कि नोटिफिकेशन वगैरह थोड़ी
छोटी डिले आती हैं, जो कि मेरे हिसाब से सोते टाइम वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ फोन ऐसे साइड में रखा हुआ है और आप कुछ काम कर रहे हो दिन में, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती हैं। और पहले जब आप स्प्लिट स्क्रीन यूज करते थे और उसके ऊपर पॉपअप विंडो ओपन करते थे, तो यहाँ पर जो पॉपअप विंडो है वो साइड में आती थी दो आइकन के रूप में, लेकिन अभी क्या है वो ऐप ड्रॉअर के तरीके से ऊपर आती है, जिससे भी पता लग जाता है कि मैं इसमें काम क्या कर रहा था। तो मेरे को अगेन काफी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी चीज लगी। और जैसे कि वीवो के फोन के अंदर साइड बार मिलता है, तो इसके अंदर भी दिया, बट अभी आपको स्क्रीन ट्रांसलेशन का एक फीचर डाल के दिया इन्होंने, जिसमें बेसिकली गूगल लेंस का यूज करा है। अब मानो आप किसी भी अदर लैंग्वेज में आर्टिकल देख रहे हो, तो आप उसे ऑन टाइम मतलब रियल टाइम के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, और इससे काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगेन बढ़ने वाली है। और जैसे कि आप वीवो के फोन के अंदर थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर ले सकते हो, बट वीवो अभी से एक और नए लेवल पर ले गया, जो मुझे यूजफुल लगा। अगेन अगर आप थ्री फिंगर्स को होल्ड करके रखते हो, तो यहां पर आप कुछ पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, यहां तक कि उसकी एजेस को भी राउंड वगैरह कर सकते हो, और उतना ही स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी के अंदर अगेन सेव हो जाएगा। और इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इन्होंने नए फीचर ऐड करे हैं। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिर्फ आप प्ले या पॉज कर सकते थे, बेसिकली रिकॉर्डिंग या पॉज कर सकते थे उसको, लेकिन अभी इन्होंने इसके अंदर तीन नए फीचर ऐड कर दिए हैं। एक तो या तो आप सिस्टम की ऑडियो को इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो या उसे ऑफ कर सकते हो, अपने माइक से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यहां तक कि आप कुछ लिख भी सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर, जो कि भाई उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो लोग पढ़ाते हैं। तो ये वाला फीचर भी वीवो ने काफी अच्छा डाला है मेरे हिसाब से। और वीवो ने अपने नए फन टच ओएस के अंदर ना गेम मोड के अंदर भी कुछ फीचर डाले हैं, जैसे कि अब आप अपने गेम प्ले के हिसाब से स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर सकते हो, टच सैम्पलिंग रेट को भी एडजस्ट किया जा सकता है। और जैसे कि फन टच ओएस 15 एंड्रॉइड 15 बेस्ड है, तो यहां पर एंड्रॉइड 15 के भी कुछ फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो, तो स्क्रीनशॉट की तरह यहां पर भी आप कुछ पर्टिकुलर एरिया की ही स्क्रीन को शेयर कर सकते हो, यहां तक कि एक पर्टिकुलर ऐप की स्क्रीन को ही शेयर किया जा सकता है। और अगर आपने कोई भाई एपीके डाउनलोड कर लिया है और आप उसको पहले तो यूज कर रहे हो, लेकिन बाद में आपने यूज करना बंद कर दिया और बाद में वो बैकग्राउंड में आपके कुछ परमिशंस को यूज कर रहा है, तो ये उसका एसएस डिनाई कर देगा, जो कि अगेन एक एंड्रॉइड 15 का फीचर है। इसके अलावा फन टच ओएस ने जो नया फीचर डाला है वो है लाइव ट्रांसक्राइब, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगता है नोट्स वगैरह बनाने के लिए। मैं बोलूंगा ये ऑटोमेटिकली लिखता चला जाएगा, बट मेरे को एक चीज अजीब लगी कि ये फन टच ओएस ही नहीं लिख पाता। बाकी भाई जैसे कि AI चल रहा है, तो भाई फन टच ओएस के अंदर भी कुछ AI के फीचर्स आए हैं, ऐसा वीवो बोल रहा है। सबसे पहले तो जैसे कि आप फोटो को एनहेंस कर सकते हो, ये ऑलरेडी इनके साथ मिलता था, बट इन्होंने जो नया डाला है वो है बैकग्राउंड में कोई सब्जेक्ट आपको उड़ाना है तो अब आप उसे इरेज कर सकते हो जस्ट एक क्लिक में। बाकी इसके अंदर AI टैगिंग मिलती है, मानो कि आपके भाई की फोटोज हैं आपकी गैलरी के अंदर, आपकी हैं किसी और पर्सन की हैं, तो उनको अलग अलग से ग्रुपिंग कर देगा, जैसे कि एप्पल या सैमसंग के फोन के अंदर होता है। और जैसे कि आपके फोन के अंदर मल्टीपल फोटोज हैं एक तरीके की, मतलब आपने काफी सारी फोटो के क्लोन्स बनाए हुए हैं या आपने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे जिन्हें आप अभी यूज नहीं करते, तो उनका भी ये सजेशन दे देगा कि आप इन्हें डिलीट कर दो, ये फालतू के स्पेस घेरे हुए हैं। बाकी AI के नाम पर जो इन्होंने लास्ट फीचर दिया है वो ये है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट की फोटो ले रहे हो और उसमें शैडो आ जाती है, तो वो एक क्लिक में अब रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा भाई कोई भी AI फीचर फन टच ओएस के अंदर नहीं मिलता। तो यही कुछ चेंजेस हैं भाई फन टच ओएस 15 में, जो कि 14 के कंपैरिजन में 15 में डिफरेंट मिले हैं। यहाँ पर मैंने सारे शेयर करे हैं। वैसे ये इसका एक स्टेबल वर्जन है, स्टेबल वर्जन आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। और देखने वाली बात यह है कि फीचर्स तो चलो छोटे मोटे चेंजेस हैं, बट जो मेन चेंज होने वाला है, जो मुझे लगता है इन्हें करना भी चाहिए, वो है कि जो फालतू का कचरा डाल के देते हैं, मतलब प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन अपने फ्लैगशिप के अंदर भी, वो क्या अब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए भाई अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बाकी जब स्टेबल आएगा उसको हम अपने इंस्टाग्राम पे बता देंगे कि कचरा है नहीं है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो और अभी भी फॉलो कर सकते हो YouTube पर ऐसी वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगस टू वॉच योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद एचएफवीएन पॉक्स गाइस।